संघर्ष में शहीद हो गए, इसी लेकर पूरे देश में गुस्सा है और देश में चाइनीज सामान का अब विरोध भी हो गया है। इसका जवाब पत्थर से चाहिए। भारतीय सेना हर हालत में हर तरह से सक्षम है। चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद अब देश में चीनी सामानों का विरोध शुरू हो गया। चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। चीन के साथ हुई इस झड़प में देश ने अपने 20 बेटों को खो दिया और इस शहादत का बदला लेने के लिए पूरे देश में उबाल। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। दिल्ली पुलिस ने लोगों को हिरासत में ले लिया। इसका जवाब पत्थर से चाहिए। भारतीय सेना हर हालत में हर तरह से सक्षम है। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चाइनीज सामानों को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया और बहिष्कार की मांग भी की, तो वहीं कानपुर में लोगों ने चाइनीज टीवी और एलईडी तोड़कर अपना विरोध जताया। अभी पिछले 15 दिनों से जो लद्दाख बॉर्डर पर जो तनाव था उस पर लगातार जब बातचीत हो रही थी सैन्य अधिकारियों के बीच में, इसी बीच चाइना ने धोखा देने का काम किया और हमारे सैन्य अधिकारियों सहित 20 जवानों को शहादत दिए। हम उसको भूले नहीं है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ आबादी के हर व्यक्ति से और जो विदेशों में भी जो हमारे एनआरआई हैं, अप्रवासी भारतीय हैं, उनसे हमारी अपील है। हमने आज यहाँ टीवी तोड़ करके, जो चाइना के टीवी थे उनको तोड़ करके ये अपील की है कि चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करो। राजधानी लखनऊ में व्यापारी नेता संजीव गुप्ता की अगुवाई में व्यापारियों ने चाइनीज सामानों का विरोध किया, चीन का झंडा भी जलाया और गाजियाबाद में भी लोगों ने चीन का पुतला फूंका। लखनऊ में अवध विहार कॉलोनी के कार्यालय पर अध्यक्ष मेजर आशीष चतुर्वेदी के नेतृत्व में चाइना का विरोध करते हुए चीन का झंडा जलाया गया। वाराणसी में भी लोगों ने चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखाया। वहीं भारत समाचार न्यूज चैनल ने भी चीन के खिलाफ आर्थिक जंग का ऐलान कर दिया। चैनल के एडिटर इन चीफ बृजेश मिश्रा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि चैनल पर किसी भी चाइनीज कंपनी का विज्ञापन नहीं चलेगा। इसके लिए सेल्स डिपार्टमेंट को तत्काल निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं भारत समाचार और बृजेश मिश्रा की इस सराहनीय पहल को पूरे देश से सराहना मिल रही है। जाने माने कवि कुमार विश्वास ने भी इस साहस के लिए भारत समाचार की तारीफ की है। चीन की इस कायराना हरकत से पूरे देश में उबाल है और लोगों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।